फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 26 अप्रैल और यहाँ पर अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। थोड़ा सा जो कपड़े पे सूख गए थे उनको रख रही हूँ तय लगा के, जो प्रेस के लिए कपड़े उनको अलग निकाल रहे हैं। शाम के समय थोड़ा सा रूम की क्लीनिंग करनी होती है, दिन में 2 बार तो करनी होती क्योंकि पूरा दिन आदमी खेलता है रूम में, तो जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो कपड़ा गंदा हो ही जाता है कितना भी आप क्लीन कर लो। बस मैं वही क्लीन कर रही हूँ और फ्रेंड्स के बाद मैं कोई व्लॉग कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। मैं अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और आज तारीख है 27 और ये ब्लॉग मैंने कल से स्टार्ट किया हुआ था, मतलब कल 26 तारीख की शाम को मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ये सोचकर कि मैं मतलब शाम का रूटीन बनाऊँ, मतलब शाम को मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सोचकर कि चलो कुछ ब्लॉग बनाएंगे, पर फिर उसके बाद मैं बिजी हो गई थी फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, तो मैं पहले सोच रही थी कल शाम को ही हम जाएंगे डॉक्टर के पास, लेकिन फिर कल शाम को नहीं जाना हो पाया तो फिर आज हम लोग गए डॉक्टर के पास मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या वो दोपहर में बैठती हैं डॉक्टर 12 बजे करीब, तो वहीं हम लोग गए थे। फिर वहाँ से मैं आई, खाना वाना खा लिया है और आज सुबह मतलब मैंने अदवी को स्कूल भेजा, फिर उसके बाद अपना नाश्ते वास्ते की तैयारी, किचन वगैरह थोड़ा साफ किया, तो मैंने अपना कमरा बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया, जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा है। अभी मैं आपको अपने कमरे की हालत दिखा दूँ, अपने बेड की हालत दिखा दूँ, ये देखिए कैसे पूरा सब कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। तो अभी मुझे ये क्लीन करना है, 15-20 मिनट तो मुझे बिस्तर सही करने में लग जाएगा। रूम मेरा क्लीन था, बस ये बिस्तर बिना मेसी हो ही जाता कहीं आओ जाओ। फिर अदवी का भी स्कूल का था तो सुबह मैंने कुछ ठीक नहीं किया, अभी बस उसे ठीक करेंगे और कोशिश होगी कि ये ब्लॉग मैं आज शाम को ही डाल दूँ, क्योंकि फिर 2 दिन का ब्लॉग ऑलरेडी हो गया, 26 तारीख से ही स्टार्ट किया है, तो आज इस ब्लॉग को एंड करके हम डाल देंगे। और डॉक्टर को दिखा दिया है, सब कुछ ठीक है, दवाइयाँ क्या है दवाइयाँ आयरन कैल्शियम जो चलती हैं वही चलेंगी, तो बस सब सारा सब कुछ ठीक है। तो बस हमने कहा एक अपडेट दे देते हैं आप लोगों को और बस अभी चलते हैं अपना काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा रूम क्लीन हो गया है, जो फैला हुआ था उसे मैंने क्लीन कर दिया है, मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है और यहाँ पर अदवी खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ। तो मैंने अभी थोड़ी पहले इसको थोड़ा सा पढ़ाया था, मतलब ओरल जो था वो मैंने पढ़ा दिया था, बाकी रिटर्न वर्क भी है उसका मैं करवाऊँगी, तब तक वो कह रहा था मैं खेलना है, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा अपने टॉयज के साथ खेल लो। तो बस ये था मेरा आज का सिंपल सा ब्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज ब्लॉग थोड़ा सा मिस हो गया, मैं सही से बना नहीं पाई उसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 6:30, मैंने शाम की चाय वाय पी ली है और अभी कभी थोड़ी देर खेल रहा है, इसके बाद हम इसको होमवर्क कराएंगे, मतलब मैंने ओरल जो इसके स्कूल से वर्क मिला था कन्वर्सेशन का वो मैंने याद करा दिया है पढ़ा दिया है, लेकिन इसके बाद इसका रिटर्न वर्क बचा है वो भी हम करवाएंगे। तो अभी ये खेल रहा था थोड़ा सा अपने खिलौने लेके, तो मैंने सोचा चलो जैसे खेल लेने देते तब तक अपने ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग कल से चल रहा है तो ये लगता है कि एंड कर दो, बहुत लंबा नहीं खींचना है और कोशिश होगी कि आज रात तक ये ब्लॉग आप लोग को मिल जाए। अभी 6:30 हो रहा है तो कोशिश होगी कि ब्लॉग इसके बाद मैं एडिट करूँगी, एडिट करने के बाद मैं डाल दूँगी, जब भी एडिट हो जाएगा जब भी डाल दूँगी, मतलब तो कोई टाइमिंग नहीं है। और मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और बस अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बस बिना पंखे के, आप लोग को मेरे ब्लॉग में पंखे की आवाज़ बहुत आती होगी लेकिन बिना पंखे के तो 1 सेकेंड आप बैठ नहीं सकते हो, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के क्या हाल चाल है, कैसे जा रही है आप लोगों की प्रेगनेंसी की जर्नी, और अपडेट देते रहिए कमेंट करते रहिए। और बस इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तक अपना ध्यान रखिए।